हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित तो प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर क्लास 8th की मैथ का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 2.2। अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। इन सभी जो स्टेटमेंट है इन सभी स्टेटमेंट को हम आराम से आसानी से समझेंगे और उसके बाद हम इसको एक इक्वेशन में फॉर्म करेंगे और जब इक्वेशन बन जाएगी तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो आपसे ऐसे सवालों में जैसा ऐसा कहा जाता है स्टेप बाय स्टेप, आप वैसा कीजिए, आप आसानी से कर पाएंगे इसको। जैसे इसमें बोला गया है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यदि आप किसी भी नंबर से 1/2 को घटाएं। अब आपको यहाँ से बोला किसी भी नंबर से, फ्रॉम अ नंबर मतलब आपको नंबर नहीं दिया गया, तो नंबर को आप लेट कर लीजिए, लेट एक्स वाई जेड वट एवर यू वांट। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स। हमने नंबर को एक्स मान लिया क्योंकि इन्होंने कहा था कि किसी भी नंबर से आपको 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने नंबर एक्स मान लिया है। अब हमें क्या करना है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 को माइनस करना है उसमें से, तो एक्स माइनस 1/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमारा, एक्स माइनस 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। यानी अभी ये इट इज़ नॉट इन द रिजल्टेड फॉर्म, ये रिजल्टेड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको रिजल्टेड फॉर्म में बदलेंगे। तो कैसे करेंगे, आपको पता है इसको कैसे करना है सब्ट्रैक्शन। यहाँ 1 ले सकते हो आप और यह आपका एलसीएम आएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2x-1। अब ये सॉल्व हो चुका है। अब सॉल्व होने के बाद क्या कहा गया है कि मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, तो यानी ये जो रिजल्ट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2x-1/2 × 1/2, अगर इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यू गेट 1/8, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 1/8 मिलना चाहिए। तो अब हम इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई अगर 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर वही रहेगा, 1 × 1 2x × 1 2x हो जाएगा, तो 2x-1 ये सेम रहेगा एज इट इज, एंड 2 × 2 = 4 ये 4 = 1/8। अब क्या कर सकते हैं आप, अगर कोई नंबर सामने में इक्वल के उसमें रिलेशन में है तो वो सामने से कट भी सकता है, जैसे 4 × 1 = 4 4 × 2 = 8 ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बच गया, बस आपके पास 2 बच गया इधर और यहाँ बच गया 1। तो अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x-1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जावा क्या हो जाएगा, 1, 1 = 1 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे 2 × 2 = 4x-2 × 1 = 2 क्या आ जाएगा आपका, 1। ये माइनस का 2 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 4x = क्या होगा, 1+2, अब आपके पास आएगा 4x = 3। एक्स की वैल्यू आप निकालोगे तो 3/4 क्या जाएगा, 4। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई 3/4। मतलब ये वाली बात है कि यदि हम 3/4 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करें और फिर उसको 1/2 में मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 1/8। तो ये हमारा था इसका आंसर। और ये जो हमारे पास क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका हल इस प्रकार से है।